कर लेंगे गला, उसके बाद यहाँ एक क्रॉस निशान लगाएंगे, वो हमने मार्क करके लगाया है, किस तरह से मार्क करना है वो हम आपको जय श्री कृष्ण सभी को। आज हम ये डिजाइनर ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज है, उसका कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। इस ब्लाउज में हमने शोल्डर लिया है 6 इंच का और लंबाई ली है 14 इंच। अब हम इस ब्लाउज में नीचे से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके ऊपर 1.25 इंच का गैप रखना है, उसका भी एक निशान लगा लेंगे, 3.5 1/2 इंच। उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच का, 3 इंच की गले की चौड़ाई रखेंगे। नीचे हम 3.5 या 4 इंच, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग या आपको जितना चौड़ा करना है इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से हम इधर पर ड्रॉ कर लेंगे गला, उसके बाद यहाँ एक क्रॉस निशान लगाएंगे, वो हमने मार्क करके लगाया है, किस तरह से मार्क करना है वो हम आपको बताते हैं। इसकी कमर है 28, इसलिए 7 7 पर इस तरह से निशान लगा के उससे 1/2 इंच, मतलब 6.5 इंच से हम इस तरह से काटा है, 6.5 इंच से 28 कमर है, इसके अकॉर्डिंग 28 का 4 भाग 7 होता है, 1/2 इंच छोड़कर हमने काटा है। यहाँ नीचे दूरी लगने वाली है, इसके बाद इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। हम अच्छा सा शेप उसको फिर से काट लेते हैं, ये भी हम इसमें पीछे हुक्स करने वाले हैं। हमारा नाम पिनाकिन गोहेल है, हमारे इंस्टाग्राम पर 2,45,000 से ज्यादा फॉलोअर है और फेसबुक पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फ्री में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, कुछ गलती हो तो हमें माफ कर देना। यही गला की डिजाइन सिखाने के लिए काफी लोग बहुत बड़ा बड़ा चार्ज करते हैं गले की डिजाइन सिखाने का, मगर मैं फ्री में सिखाने की कोशिश करता हूं। मेरा हिंदी कमजोर है, कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना। इस तरह से हम इस तरह से पूरी सिलाई लगा के पलटी मारेंगे गले को। हम यहाँ 1/2 इंच रखा है, इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे, चाप की सिलाई। देख लेना नजदीक से, वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा गले की डिजाइन। फिर हम उसको काट लेंगे। हम आप इस गले में बुकरम डाल के भी बना सकते हैं, बुकरम कैनवास जो आप बोलते हो, हम गुजरात में यह कैनवास बोलते हैं, आप वो भी डाल के बना सकते हैं, मगर हम कैनवास नहीं डालने वाले क्योंकि हम गले में बॉर्डर लगाने वाले हैं, इसलिए हम गले में कैनवास डालने वाले नहीं है, बराबर। और उसके बाद उसको राइट करके हम ऊपर एक धर की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई दिखने वाली नहीं है, फिर भी हम लगाते हैं क्योंकि अच्छे से गला बैठा रहे और फिनिशिंग अच्छा आए। एक धार की सिलाई लगा लेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमें आपका सब्सक्राइब लाइक कमेंट, हमें काफी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आप करेंगे तो। और कोई जो स्टिचिंग करता है उसको आप हमारा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं तो उसे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए सिलाई काम करने में। इस तरह से पूरा हम काट लेंगे, फिर यहाँ राउंड में कट लगा लेंगे, उसके बाद पलटी मार के गला बना लेंगे। जब तक हम गला बनाते हैं आप हमें प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक कमेंट से। और आगे आप किस टाइप का गला की डिजाइन देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और ये गले की डिजाइन आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
और हमारी कुछ गलती हो, हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे हम। फिर ये जो अस्तर का कपड़ा हमने ज्यादा रखा था साड़ी का, उसको काट लेंगे और ये हमारा गला तैयार होने को आ गया है। इसके ऊपर हम अब लेस लगा लेंगे गले के ऊपर। इसको, इस पार्ट को भी हम सिलाई लगा के काट लेंगे। उसके बाद हम लेस लगाने वाले, वो लेस ध्यान से देख लेना क्योंकि लेस लगाने में मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं फटाफट आपको दिखा दूंगा लेस कैसे लगाते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा अदरवाइज। इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। आप हमें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरह से हम पूरी लेस लगा लेंगे। अब ये उसका फाइनल लुक है। कैसा लगा कमेंट में आप हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर